हेलो फ्रेंड्स, हेलो संचिता जी, वेलकम टू माय किचन। आ जाइए, सभी फ्रेंड्स को टेक कीजिए, अपने अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए। जल्दी जल्दी बहुत अच्छी सी रेसिपी दिखाने जा रही हूँ आज। एनीवेज, चलिए आप सभी का मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपको एक अरेबिक डेजर्ट कुकीज बनाना दिखाऊंगी। रमजान महीने में स्पेशली अरेबिक डेजर्ट बहुत ज्यादा ही फेमस है आजकल, और वहां पर जिस टाइप से जो कुकीज बनती हैं, सेम वैसी ही कुकीज मैं आपको दिखाऊंगी। जी हाँ, बिल्कुल संचिता जी, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फेसबुक का लाइव रेसिपी शो है अमूल का, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ अमूल इंडिया का और अभिषेक सर, दीपा जी, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। हम होम सेफ के लिए ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है। तो चलिए, मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि आज मैं आपको अरेबिक डेजर्ट कुकी दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं, स्पेशली रमजान मंथ में वहां पर बनता है, और अभी हम लोगों का रमजान मंथ चल रहा है, तो मैं आपको सभी को रमजान मुबारक बोल रही हूँ। और आपको अगर अच्छा लगे, आप कभी भी कोई भी ओकेशन पे बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊं डेजर्ट कुकी कैसे बनाते हैं। ये कुकीज की खासियत है, इसको हमें बेक नहीं करना है, हमें इसको फ्राई करना है। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये है 1 कप मैदा जो मैंने छान करके ले लिया है, कुछ भी कचरा वगैरह होता है उसको निकाल देना है। ये 1 कप मैदा है, दिख तो रहा है ना सभी को, देखिए ये 1 कप मैदा और ये 1/2 कप सूजी है, ये बारीक वाला सूजी लेना है। अगर सूजी अगर आपका मोटा है तो आपको उसे मिक्सी में चला लेना है, ठीक है, इसको भी छान के साफ करके लेना है। ये 1/2 कप सूजी है। अभी इसमें जाएगा 1 चुटकी भर बेकिंग सोडा, ये 1/4 से भी कम टीस्पून है बेकिंग पाउडर, इसको अभी अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही में मैं इसमें मिलाती हूं ये पीसी हुई चीनी है, सिर्फ 2 ही चम्मच मिलाना है, ज्यादा नहीं मिलाना, 2 ही स्पून मिला रही हूं। ये है अमूल का बटर, रोज बटर और केरल बटर बाहर है ना, देखिए ये अमूल का बटर है। ये जो मेरी क्वांटिटी है मैं उसके हिसाब से ले रही हूँ, 1 बड़ा स्पून ले रही हूँ बटर, आप चाहें तो पूरा बटर ले सकते हो, मैं थोड़ा यहाँ पर घी भी ऐड करने वाली हूँ।
अमूल का ही घी ले रही हूँ मैं। ये भी मैं एक बड़ा स्पून भर के ले रही हूँ। अभी यहाँ पर ये एक कटोरी चीनी लिया है मैंने, हमें इसका चाशनी बनाना है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। वो स्लो गैस पर इसको मैं कुक करती हूँ। यहाँ पर ये ऑयल और घी मिक्स है, आप चाहे तो अकेला घी भी ले सकते हो। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मोइन देंगे हम अच्छे से। साथ ही में मैं अब मिक्स करूंगी इसमें मिल्क पाउडर। मैं यहाँ पर 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ले रही हूँ। आप इसमें इलायची पाउडर वो भी डाल सकते हो, जो भी डालना चाहें। मैं इसमें वेनिला एसेंस डाल रही हूँ, वहां पर वो लोग वेनिला शुगर डालते हैं। चार पांच बूंदे मैंने वेनिला एसेंस की ली है। थैंक यू संचिता जी, थैंक यू सो मच। मैंने अमूल का ही मिल्क पाउडर लिया है, देखिए ये अमूल का ही है, अमूल का ही है, अमूलिया। देखिए ये यहाँ पे मेरे यहाँ कोई ना कोई चीजें बनती रहती है ना, तो मुझे मिल्क पाउडर ज्यादा चाहिए, तो मैं इस तरह इसको फिर बांध के फ्रिज में रख देती हूँ, या तो फिर मैं डिब्बे में रख देती हूँ। चलिए अब मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा, और मैं आटा गूंद लूंगी। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर, सिनेमन पाउडर, आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी पसंद से आप कुछ भी ले सकते हो। हम थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे और सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं और एकदम ज्यादा टाइट भी नहीं, ऐसा इसको गूंदना है। दूध भी अमूल गोल्ड ही मैं यूज करती हूँ, दूध भी अमूल गोल्ड ही लिया है मैंने। अच्छे से मिक्स ही करना है इसको, ज्यादा मसलना नहीं है। और ये झटपट बनने वाली कुकीज है,
आपका ज्यादा टाइम भी किचन में नहीं जाएगा। वालेकुम अस्सलाम अंजू मनारा, मैं आज बना रही हूँ अरेबिक डेजर्ट कुकीज, जिसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया, हाफ कप मैंने सूजी लिया और दो बड़े चम्मच मैंने मिल्क पाउडर के लिए घी और बटर का मोयन डाला है मैंने एक एक चम्मच का। और अभी मैं ये दूध से आटा गूंथ रही हूँ, थोड़ा सा हम सॉफ्ट करेंगे आटे को। और दो ही चम्मच मैंने शुगर पाउडर लिया है, वो शुगर पाउडर मैंने किस लिए लिया है वो मैं आपको आगे थोड़ा बताऊंगी। और वेनिला एसेंस की चार पांच बूंदे डाली है इसमें, आप चाहे तो इलायची पाउडर डाल सकते हो। वहां पर वो लोग वेनिला शुगर ऐड करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ वेनिला एसेंस लिया है। देखिए ये इतना सॉफ्ट आटा है, ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज्यादा टाइट भी नहीं है, बस ऐसा ही आपको आटा चाहिए। अगर आपको इसको रेस्ट देना है तो थोड़ा सॉफ्ट आटा गूंदना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो सूजी है ना वो सूजी फिर आटे को कड़क कर देगी, मॉइस्चर सारा ले लेगी वो। ठीक है, चलिए ये हो चुका है मेरा, इसको मैं अभी साइड में कर रही हूँ। जो चीज जरूरत नहीं है उसको मैं साइड में कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा ये शुगर सिरप, देखती हूँ क्या हुआ है इसमें। शुगर सिरप को हमें सिर्फ चिपचिपा ही चाहिए, अभी होने वाला है, हुआ नहीं है। चलिए अब ये जो शुगर सिरप है इसमें मैं ऐड कर रही हूँ रोज वाटर। साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ केवड़ा वाटर, एक चम्मच के जितना मैं ले रही हूँ। ये चिपचिपी चाशनी हो चुकी है मेरी, जैसे हम गुलाब जामुन की बनाते हैं बस वैसी ही चाशनी चाहिए, उससे ज्यादा हमको ठीक नहीं करनी है। अभी मैं इसमें केसर इमल्सन मिलाती हूँ, आप चाहे तो केसर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास केसर इमल्सन है तो मैं वही यूज करती हूँ। देखिए ये मेरी चाशनी अभी अच्छे से हो चुकी है। आप इसमें चाशनी में भी सिनेमन और इलायची मिला सकते हो। अब ये है मोजरेला चीज, है ना, ये कुकीज का न्यू ट्विस्ट दे रही हूँ मैं आपको। देखो ये ओरिजिनल ऑथेंटिक मैं आपको दिखा रही हूँ अरेबिक कुकीज। ये अमूल का ही है चीज, चलिए अब हम थोड़ा सा डो लेंगे हाथ में, जितना आप गुलाब जामुन बनाते हैं उससे आप थोड़ा सा ज्यादा लेंगे। आपको लगे कि इसमें क्रेक आ रही है कहीं से भी तो आप फिर से इसमें थोड़ा ऐड करेंगे मिल्क और फिर से गूंदेंगे, क्योंकि यहां पर देखो क्रेक आ रही है, तो मैं आपको थोड़ा फिर से गूंद के दिखा रही हूँ। थोड़ा हमें मिल्क चाहिए इसमें, क्रेक नहीं आना चाहिए इसमें। हम जब इसका जो भरेंगे स्टफिंग
तभी इसमें कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बनाइए, बहुत अच्छी टेस्टी है, स्वादिष्ट होती है और आप रख भी सकते हो, लेकिन आपको मैं बताऊंगी वो किस वे में आपको रखना है और कितने वे से आप सर्व कर सकते हो वो भी बताऊंगी। आज तो मैं सिर्फ आपको ऑथेंटिक ही दिखा रही हूँ। चलिए देखिए, अभी ये हो चुका है आटा। फ्रेंड्स अपने अपने फ्रेंड्स को भी आप टेक कीजिएगा। देखिए गुलाब जामुन से थोड़ा सा बड़ा लोई लेना है इसका आपको। अभी क्रेक नहीं आ रही है। इसको वहां पर डेजर्ट कुकी ही बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको ये डेजर्ट कुकी ही नाम दिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से नामकरण कर सकते हो। देखिए ये है मोज़रेला चीज, ये हमें इसमें फिल करना है। आप जितना चाहें फिल कर सकते हो। देखिए ये हो चुका है। अभी वहां पर क्या करते हैं वो लोग, यहाँ पर ऐसे इम्प्रेशन दे देते हैं थंब का कि फूले ना, लेकिन मैं यहाँ क्या करूंगी, मेरे पास ये है मोल्ड, मैं इसमें अंदर ऐड करती हूँ इसको और मैं ऐसे दबा दूंगी। देखिए हो गया ना अच्छे से, आप चाहे कुछ भी कैसे भी कर सकते हो। बस ये एक है कि इसको आपको कहीं से भी खुला नहीं रहना है, क्रैक नहीं रहना है, नहीं तो जो चीज है अंदर से वो निकलेगा बाहर। देखिए ये ऐसे होना है, अभी हम इसको फ्राई करेंगे, देखते हैं हमारा तेल हुआ है गरम या नहीं। गरम हो चुका है, मेरा गैस सिम पर है और आपको इसे ऐड करना है। थोड़ा धीरे धीरे करना है आपको। मैं दूसरा भी करूं, है ना कितनी झटपट आसानी से बनने वाली ये कुकीज और स्वाद भी लाजवाब। आप अपने मेहमानों के लिए पहले से बना करके भी रख सकते हो। अभी होली भी आने वाली है, ईद भी आने वाली है, तो आप कुछ नया ऐसे नाश्ता बना करके रख सकते हो। इसको अच्छे से पैक करना है। अगर लगे कि कुछ पैक नहीं हो रहा है तो मैं उसके लिए आपको टिप्स दूं, जरा सा एक पानी वाली उंगली कर लीजिए और अच्छे से ऐसे घुमा दीजिए। ये जस्ट आपको मैं एक टिप्स दे रही हूँ, तब भी ये पैक हो जाएगा। ऐसे आपको पैक कर देना है अच्छे से।
देखिए ये अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन अच्छे से हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। मैं एक प्लेट ले लूं, इसको पहले डाल दूं। देखिए आप, जरा सा भी ऑयल इसमें साथ में नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं, एकदम अच्छे से हो चुकी है हमारी ये फ्राई। ऐसे आपको दिखे इसलिए मैं यहां रख रही हूं ऐसे। गैस को स्लो ही रखना है आपको। आप कोई भी मोल्ड ले सकते हो, मेरे पास ये भी है और एक ये मोल्ड भी है, ये भी है, आप ये मोल्ड भी ले सकते हो, आप कोई सा भी मोल्ड ले सकते हो। थैंक यू रूबी जी, थैंक यू संचिता जी। फिर से जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं उन सभी का मेरे किचन में स्वागत है। और मैं आज बना रही हूं अरेबिक डेजर्ट कुकीज। देखिए ये भी फ्राई हो चुकी है मेरी कुकीज। इसमें हम भरेंगे ये मोजरेला चीज। जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं मैं आपको फिर से बता दूं मैंने डो कैसे बनाया है। मैंने डो में 1 कप मैदा लिया था और 1/2 कप सूजी लिया था, साथ ही में मैंने उसमें 2 चम्मच छोटे घर की ही पीसी हुई चीनी ली थी और फिर उसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून से भी कम इतना बेकिंग पाउडर लिया था और 2 चम्मच मैंने मोइन के लिए थे, इसमें 1 चम्मच बटर था अमूल का और 1 चम्मच घी था अमूल का और साथ ही में अमूल मिल्क पाउडर भी था, 2 या 3 चम्मच लिया मैंने। आप ले सकते हो अपने हिसाब से, आगे पीछे कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आपको मोइन लगाकर अच्छे से और मिल्क से इसको डो आपको बना लेना है। मैंने वेनिला एसेंस इसमें एक किया है 4-5 बूंदे। अगर आपके पास वेनिला शुगर है तो आप वो भी डाल सकते हो। मैं एक और कर लूं, फिर आगे वाला पार्ट मैं आपको दिखाऊं। फिर मैंने ये इस तरह की टिक्की बनाई है और टिक्की के अंदर मैंने मोजरेला चीज स्टफ किया है और मोजरेला चीज स्टफ करके मैंने मोल्ड में आपके सामने ही आपको दिखाया कैसे करना है, फिर उसको फ्राई कर लेना है। अभी आगे का पार्ट में आपको ये एक कुकी बना लूं, फिर मैं आपको दिखाऊं। आपको ऐसे चिमटी चिमटी लेके अच्छे से पैक करना है क्योंकि जो चीज है वो फिर फैलेगा, उसके कारण चीज बाहर आ सकता है। आपको इसको पानी लगा करके अच्छे से पैक कर देना है। शेप आप कोई भी दे सकते हो अपने हिसाब से। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो हमारा शुगर सिरप बनके रेडी है उसमें हमें इसको
डालना है। थोड़ी देर इसको ऐसे ही रखना है आपको। उसके बाद क्या करना है आपको वो मैं आगे दिखाती हूँ। ये हमारी कुकीज बनके रेडी है। इसको भी हम डायरेक्ट चाशनी में डालेंगे। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये इसमें मैंने 2 चम्मच शुगर क्यों डाला था, ऐड किया था शुगर पाउडर। वो इसलिए ऐड किया था कि अगर आपको किसी को शुगर सिरप में इसको नहीं डालना है तो आप ऐसे ही कुकीज को रख सकते हो, और जब भी आपको सर्व करना हो तभी गरम गरम शुगर सिरप बनाइए, उसमें डीप करिए और सर्व करिए, ठीक है। और ये अगर आप ऐसे ही इसको रखोगे डब्बे में तो 15 दिन तक ये कुकीज खराब नहीं हो रही, नहीं होगी, आपकी अच्छी ही रहेगी। चलिए हम इसको भी डाल देते हैं शुगर सिरप में। अब जब निकालेंगे तब क्या करना है देखिए, वहां पर वो लोग पिस्ता पाउडर डालते हैं। अब मेरे पास पिस्ता था नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पिस्ता ही हमको चाहिए। मैं यहाँ पर नारियल का बुरादा और बादाम की कुछ मैंने चिप्स काटी हुई है वो डालती हूँ। आप चाहें तो चॉकलेट भी डाल सकते हो, आप कैरेमल भी डाल सकते हो, अपने हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हो। और ये जब चाशनी आपने लगाई है गरम गरम है तभी आपको ये करना है, क्योंकि फिर चाशनी ये जब सोक हो जाएगी इसमें उसके बाद आपका ये चिपकेगा नहीं। अभी जैसे चिपक रहा है ना वो बाद में नहीं चिपकेगा। ये चाशनी के कारण चिपक रहा है, देखिए ऐसा है। तो चाशनी में डीप करके भी आप लगा सकते हैं। ये मैंने ही कट किया हुआ है बादाम को। बादाम को कट करने के लिए उसको पहले थोड़ा सा भिगो दीजिए आप। जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद आप मन चाहे ऐसे पतले पतले स्ट्रिप काट सकते हो। फिर उसको आपको पेपर ऊपर सुखा लेना है, और हो सके तो थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, नहीं तो एकदम पेपर ऊपर सुखा करके आप फ्रिज में रख दो। ये भी 1 महीने तक खराब नहीं होगा। आप इसको पूरा भी नारियल में कोट कर सकते हो। ये कोकोनट पाउडर है, चलिए अब मैं इसको सर्व करती हूँ। सर्व करने के लिए प्लेट आ चुकी है, चलिए अब सर्व करते हैं हम। एक मैं आपको काट के दिखाऊंगी। लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है आप सभी के लिए अरेबिक डेजर्ट कुकीज। चलिए अब हम एक काटते हैं, देखते हैं क्या है इसमें, कैसी लग रही है। वाह क्या मस्त इसमें से। देखिए कितना मस्त लग रहा है ना।
आपके बच्चे तो खुश हो जाएंगे आज। तो इस रमजान आप भी ये कुकीज बनाइएगा, आप चाहे होली पर बनाएं, ईद पर बनाएं, दिवाली पे बनाएं, मुझे याद जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और ये कुकीज बना करके अपना इसका पिक लेकर के मुझे टेक जरूर कीजिएगा। और वंस अगेन थैंक यू अमोल, थैंक यू सो मच, थैंक यू संचिता जी, ये आप सभी फ्रेंड्स के लिए आज की मेरी ये रेसिपी अरेबिक डेजर्ट कुकीज। तो थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे।